आगे भी सपोर्ट करते रहिए। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाजार वाली चटपटी सी फूड चाट की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्पाइसी और मज़े की फूड चाट बनती है। फ्रूट चाट वैसे तो कई किस्म की होती है, क्रीमी फ्रूट चाट भी होती है, दही वाली फ्रूट चाट भी होती है, लेकिन आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है इमली की चटनी वाली फ्रूट चाट। बहुत ही मज़ेदार और खट्टी मीठी सी फ्रूट चाट बनती है। तो वी आर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। फ्रूट चाट बनाने के लिए हमने सबसे पहले सेब लिया है एक अदद और उसे बारीक काट लिया। अनार भी हमने लिया है एक अदद। उबले हुए सफ़ेद चने जो होते हैं वो लिए हैं आधा कप। अंगूर मैंने लिए हैं आधा कप, आप चाहें तो ब्लैक वाले भी यूज़ कर सकते। ये मिक्स फ्रूट का मैंने हाफ कप लिया। व्यूअर्स, इमली का पेस्ट मैंने लिया है 4 खाने के चम्मच। आपने पूरी रात इमली को भिगो लेना है, सुबह उठकर उसको छानकर फिर उसका जो पेस्ट होगा उसे पैन में अच्छी तरह पका के उसमें चीनी, ज़ीरा और सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर लेना है। तो तैयार है इमली की चटनी। चाट मसाला मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। नमक और काली मिर्च लिया मैंने 1-1 चुटकी। तो व्यूअर्स, ये हैं सारे इंग्रेडिएंट। आपको जो फल पसंद है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बनाना, कीवी, ग्रेप्स, मैंगो, कोई भी फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बाउल में सेब डाले हैं, एक एक करके हम सारे अपने फ्रूट इसमें शामिल कर देंगे। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक फ्रूट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये मिक्स फ्रूट डाला है और उसका पानी भी थोड़ा सा शामिल कर दिया, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। मैं यहाँ रेगुलर नमक ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो काला नमक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और लास्ट में हम इमली का जो पेस्ट है वो 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे हमने तकरीबन 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करना है। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको झटपट सी चटपटी फ्रूट चाट की रेसिपी? तो व्यूअर्स, अब घर में बनाए वीकेंड्स पे, दावत पे बाजार वाली फ्रूट चाट बहुत ही डिलीशियस और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।